أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عزيزاً بسام السلمو نے جن آیات کی تلاوت کی ہے اسی کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی کروں گا اور مختصر تشریح جو حضرت مولانا محمد علی صاحب قاندھلوی نے کی ہے اس کو سناؤں گا. اس میں کچھ حضرت کی بات بھی آئے گی ماشاء اللہ سارم دنیا. اللہ تعالیٰ ان آیات کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق برحمد فرمائے. قرآن پاک اللہ نے ہم کو دیا ہے، عطا فرمایا ہے، دستور الحیات ہے، ہر موقع کے لیے اس میں تعلیمات موجود ہیں، تسلی کے بھی مضامین ہیں، تعلیم کے بھی ہیں، تربیت کی بھی ہیں، انذار بھی اس کے اندر ہے، تبشیر بھی اس کے اندر ہے، جنت کا بھی بیان ہے، دوزخ کا بھی بیان ہے، مختلف بیانات قرآن میں ہیں. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دے کر کے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے. نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن پاک کا نزول ہے، اور یہ بھی ایک نعمت کی بات ہے کہ ہم تک اللہ تعالیٰ نے واسطہ درواسطہ پہنچایا ہے، ہم کو اس کا استحضار ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کو اس کے استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت سے ہم کو نوازا ہے. خواہ مسلمان امریکہ کے ہوں، لندن کے ہوں، عرب کے ہوں، ان کو اس کا ہر وقت استحضار ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں لیکن کہ آپ کا معجزہ قرآن پاک موجود ہے. اس بنا پر اس کی قدر ہونی چاہیے، تلاوت کے ذریعے سے قدر ہو، تفہیم اور تشریح اور تفسیر کے ذریعے سے اس کی قدر ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق برکت دے. اللہ کا شکر ہے، فضل و احسان ہے کہ آج ہم کو اپنی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق ہوئی. اتنے دنوں میں مانگے کیا سے کیا ہو سکتا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس درمیان میں وہ وفات نہیں ہوئی، موت نہیں ہوئی. مجھے بہت خیال رہتا تھا کہ مسجد بنوائی گئی، ہم اس مسجد سے معلوم ہیں، مسجد حاضر نہیں ہو سکتی.
आज अल्लाह ताला ने इतने महीनों के बाद जुमा की नमाज अदा करने की यह तौफीक मिली, इसका शुक्र अदा होना चाहिए। अल्लाह ऐसी नौबत फिर कभी न लाए, अल्लाह ऐसी नौबत कि अपनी मस्जिद में हम नमाज अदा कर सके। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से ऐसी नौबत कभी ना आए, हमेशा मस्जिदें हमारी आबाद रहें, हम सब नमाज पढ़ते रहें, बल्कि हमारी जितनी मस्जिदें हैं दुनिया में अल्लाह ताला उसको खोले ही रखें मुसल्लियों के लिए, हम मुसल्लियों को भी कदर करने की तौफीक मरहमत हो। जाहिर है कि हम जहाँ से आए वसी आबाद से यहाँ तक कोई फासला है, सिवाय अफसोस के कुछ नहीं। इस आने की तो खुशी थी, लेकिन मैंने देखा कि कोई दुकान बन गई है, मुसलमानों की दुकानदारी रखे बैठे, होटल भी सब जारी, इसकी कदर होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। मुसलमानों के अंदर बड़ी बेहिसी है, मगर न लिबास ठीक, न चलना फिरना ठीक, कोई जुमा का असर मैंने पूरे रास्ते में नहीं पाया। मैं अफसोस कर रहा, सब दुकानें होटल खुले हुए हैं, सब बैठे दाली रखे, पानी विवाद रखे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं हो सकता नमाज पढ़ चुके हूँ। लेकिन बहुत अफसोस, ये सारे आलम के लोगों को मैं कह रहा हूँ, इला नूदिय सलात मिन यौम जुमा फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, इसी पर अमल कर लो, इंशाल्लाह निजात हो जाएगी। हमारे हजरत माशा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि आज मुसलमान जमात से नमाज पढ़ने लगे तो इसका भी असर दूसरों पर पड़ जाए, मरूब हो जाए। लेकिन मैंने कोई असर नहीं पाया, पूरे इसमें जुमा का दिन है, तैयारी हो, अच्छे कपड़े हो, अल्लाह ताला बहुत कितने कम ही आदमी थे, आदमी भी बहुत कम थे, इसमें तो भर जानी चाहिए मजी, यहाँ से वहां तक भर जानी चाहिए, मेरे ध्यान में यही था। बहरहाल ये चीज भी बयान करने की मंशा, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने नमाज की भी कदर की तौफीक दे, अपने मस्जिदों को भी, मदरसों के लिए मामूली बात है, मदरसे सब बंद है, किताब सुनत की तालीम का सिलसिला जो था वो बंद है, अफसोस की बात है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी और सारी फरमाए, ये मकातिब ये मदारिस अल्लाह के रहमत के नुज़ूल की जगह है। हदीसों में आता है कि जहाँ सालहीन का जिक्र होता है अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। किसी ने पूछा कि जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता हो वहाँ क्या होगा, कहा तो और ज्यादा रहमतें नाज़िल होंगी। जब सालहीन के जिक्र के बाद रहमत खुदावंदी नाज़िल हो, इस बिना पर यह सिलसिला जो जारी है अल्लाह ताला इसको जारी रखे, सारे आलम में जारी रखे। जहाँ बददीनी आ रही है, बेउनवानी आ रही है, दीन सुन्नत से बेजारी आ रही है, अल्लाह ताला इन सबको हटा करके बेजारी पैदा फरमा दे, बेजारी पैदा। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत कुछ नाज़िल फरमाया, तसल्ली के मज़ामीन भी हैं और तालीम के भी हैं, तरबियत के भी हैं। अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा हमको कुरान से लगा दे, मुतअल्लिक़ कर दे। हज़रत शेख उदीन रहमतुल्लाह अलैह जो असीर माल्टा तशरीफ लाए, उन्होंने यही कहा कि मैं दो चीजें सोच के आया हूँ कि ये चीज अपनी उम्मत से लोगों से कहूँगा, एक कुरान पाक से ताल्लुक पैदा करें और दूसरे बाहम इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें। आज कहाँ इत्तेहाद इत्तेफाक, ने इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद इत्तेफाक है, न मुसलमानी जमातों में इत्तेहाद इत्तेफाक है, सब एक दूसरे से बेजार से मालूम हो रहे हैं। ये बेदारी की बात नहीं है, ये हम लोग के लिए रहूसत की बात है। अल्लाह हम सबको चौकी करना है। इतनी बात मुझे कहनी थी, दिल मुतासिर था रास्ते से, इस बिना पर मैंने थी बात कही। अल्लाह ताला इस बात को भी कबूल फरमाए कि एक आदमी ऐसा भी हो, वैसे बहुत से होंगे, मैं कि उम्मत को चाहता है कि दीन पर अमल करें, ये तो चाहते हैं। जो कदर की चीज है उसकी कदर करें। अल्लाह ने जुमा का दिन दिया है,
न यहूद को मिला ये दिन, न नसारा को मिला मगर। अफजलुल अय्याम जुमा है, शनिजर अफजलुल अय्याम नहीं है, इतवार अफजलुल अय्याम नहीं है, और जुमा के दिन अफजलुल अय्याम, इसकी कदर होनी चाहिए। इसमें कुछ दरूद शरीफ की कसरत भी होनी चाहिए, दरूद शरीफ की कसरत। हम सब लोगों के अंदर कोताहियां हैं मुझे, दलाल खैरात किताब है हदीस की, उसमें जुमा के दिन दो मंजिल है, दरूद शरीफ की दो मंजिल, इसी वजह से तो जुमा के दिन दरूद शरीफ की कसरत होनी चाहिए, सूरह कहफ की तिलावत होनी चाहिए। अल्लाह ताला इन सब चीजों की पाबंदी, आपको मालूम है सूरह कहफ की कितनी फजीलत है। हमारे हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी का इंतकाल जो हुआ है वो सूरह यासीन पढ़ते हुए या सूरह कहफ पढ़ते हुए हुआ है, अभी फिर जल्दी देखा है। उसकी वजह भी लिखते हैं लोग, उनके वालदा ने सूरह कहफ पढ़ने का उनको मामूल बना दिया था, पढ़ने के लिए मामूल, और उसकी निगरानी भी करती थी उनकी वालदा कि अली ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। माएं भी ऐसी होती थी, औरतें भी आदाद नहीं है, अपने औलाद की तरबियत उनकी जिम्मा है। हमारे सईद ने बड़ी उम्दा बात कही रखे कि अब्बा अली मियां की तरबियत में उनके माँ का भी हिस्सा है। मैंने क्या नजरिया क्या कहते कुछ नहीं, माँ ने उनको एतजाज पर रखा, बड़ी बात है। इस सईद ने बात कही थी, अल्लाह ताला ने इस पूरे खानदान को हमा खाना आफ्ताबस, हमा घर आफ्ताब, हम लोग मिल रही है सबके अंदर दाइया और जज्बा, दीनी लगन, खिदमत दीन का दाइया और जज्बा मैं सभी के अंदर पाता हूँ। अब एक आदमी दूसरी बात है, सभी कहते हैं कैसी किताब अभी लिखी है, जो इस जिंदगी में देखा होगा कैसी उमदा किताब, महमूद महमूद हसनी ने बहुत उमदा किताब लिखी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन की कदर की तौफीक बरकत फरमाए। ये अय्याम भी काबिल कदर है, इलाते भी काबिल कदर है, ये मदरसे भी काबिल कदर है, जब तक हैं इसके हुकूक की अदायगी की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अब जिस आयत की मैंने तिलावत की है माशाल्लाह बहुत ही अहम आयत है, तर्जमा उसका ये है, इन्नल लदीन कालू रब्बुल्लाह सुम्मा इस्तकामू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون। تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ, یہ بھی بہت بڑی دولت ہے, اللہ کو ماننا اور اللہ کو رب ماننا ہے, دو بات ہے۔ ہم نے جو کتاب لکھی تربیت اولاد کی, اس میں لکھا ہے کہ پہلی چیز طلبہ کے اولاد کے اندر یہ ڈالو کہ اللہ ہے, अल्लाह के वजूद का यकीन दिला दो, बस काम आसान हो जाएगा। जिसे अल्लाह को मान लिया कि हमारा अल्लाह है, और दूसरी बार हमारा रब है, खालिक है, मालिक है, ये दो चीजें हो गई। अल्लाह के वजूद को मानना ये सबसे बड़ी इब्तिदा, तालीम की इब्तिदा यहां से होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह हमको पालने वाला पालनहार, हमारा भी बल्कि तमाम आलम का पालने वाला कौन है, अल्लाह। ये सब ईमानी बातें हैं, जितना दिल में इसका यकीन होगा वही अल्लाह ताला की इख्तदा इत्तेबा उसका दाइया और जज्बा उभरेगा। इन्नल लज़ीन क़ालू रब्बुल्लाह, बेशक बोले जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तकामू फिर वो उसको मुस्तकीम रहे। मुस्तकीम का मतलब यही है कि दीन पर पूरा पूरा आमिल हो जाए, ईमान भी कामिल हो और इस्लाम भी कामिल हो, और एक चीज नहीं होगी ध्यान में, एहसान भी कामिल हो, तब इस्तकामत है। तीन चीजें हैं, ईमान, इस्लाम, ईमान और एहसान। आज नई चीज अभी मुझे मालूम ही जरा कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि इस्तकामत का मतलब यह है कि तीनों चीजें आए, क्या ईमान भी कामिल हो और इससे ईमान
कहते हैं फिर वह उसी पर इस मजबूती से जमे रहे और सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत के साथ चलते रहे और मरते दम तक उसी पर काम है तो उस पर फरिश्ते उतरेंगे। कहते हैं कि इससे मालूम हुआ है कि इस्तकामत सिर्फ ये नहीं कि नमाज आप पढ़ने लगे, नहीं, ईमान के जितने शोबे हैं उनको अपने दिल में लाइए, दीन में लाइए, जहन में लाइए, अमल में लाइए और इस्लाम के जो तकादे हैं उसको पूरा कीजिए। और तीसरी चीज ये है कि अन ताबुद अल्लाह का निकलता इतने पे इक्तफा न कीजिए बल्कि एहसान में भी आमतौर से इस्तकामत माने हम लोग वही बात, लेकिन इन्होंने लिखा है कि एहसान के मकाम तक पहुंचना ये इस्तकामत में लाती है, नजदीक है महाराज। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इससे नवाज दे, ईमान भी दे, रब्बुन अल्लाह कहने में हम सादिक हो जाएं, हमारा रब अल्लाह ये मामूली चीज नहीं है, हमारा बाप फला है, मजा आता है, हम फला के लड़के हैं तो हम भी कहें कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह जो रब्बुल आलमीन उसके हम बंदे हैं, फखरिया तौर पर कहिए हम किसी बुत के बंदे नहीं है, न सूरज के बंदे हैं न चांद के, बल्कि हम अल्लाह के बंदे हैं, रब अल्लाह हमारा रब अल्लाह, अल्लाह ताला हम सब लोगों को बहुत उम्दा। बेशक जिन लोगों ने इकरार कर लिया दिल की गहराइयों से कि हमारा रब अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद व मौला नहीं, देखिए तर्जुमा उम्दा है, माना तर्जुमा उसकी एतात कोई माबूद, दिल की गहराइयों से बेशक जिन्होंने इकरार कर लिया दिल की गहराइयों से इकरार किया, ये कल बढ़ा दिया खाली सरसरी जबान से नहीं बल्कि दिल के, भाई उलमा ही है माशाल्लाह, समझिए इसको और इसे तफसीर करने को जारी कीजिए, आप सब लोग जोर देने की जरूरत है, थी कुरान खुद जोरदार है लेकिन आपको भी जोर देने की जरूरत है, अपने दिल दिमाग पर भी और दूसरों के दिल दिमाग पर असर डालिए। हमारे हजरत माशा रसूलल्लाह साहब अब क्या आते हैं उन्हीं की बातें हमको याद है, सिर्फ कुरान पढ़ते चले जाते थे, कुछ नहीं बेचार दिमाग जानी मारी मेरे लिखा दिल पर, उस कुरान के पढ़ने से लोगों पर असर पड़ जाता था, तर्जुमा भी नहीं वाली मैंने लिखा है तर्जुमा भी हमारे दिल में। हजरत क्या ये हुआ था आपने कोई सुने नहीं होगा, हजरत बहुत जान करता हूँ, उस जमाने में 51 जिला थे यूपी में, 51 ये 52 जिला थे कि भाई हर जिले में एक आदमी तिलावत हकीकी करने वाला पैदा होना चाहिए तब काम बनेगा, उसमें से इस हकीर को भी रखा था हकीकी तो हमसे तो कुछ हुआ नहीं भैया, लोग तो हुआ होगा, इतने लोग अगर तिलावत हकीकी करने वाले सब आफत दूर हो जाएगी, ये सब चीज वहां बहुत थी, कुरान पढ़ते ही चले जाते कलमा भी नहीं करते, कुरान से कुछ शरफ था बात ही कुरान से, अल्लाह ताला हम लोगों के अंदर भी वो चीज पैदा फरमाए। मजबूती से और फिर वो उसी को देखिए क्या उम्दा लग फरमाए, गहराइयों से जिन लोगों ने इकरार कर लिया दिल की गहराइयों से कि हमारा रब अल्लाह है इसके सिवा कोई माबूद, देखिए अब कल बढ़ा दिया इसके सिवा कोई माबूद और मौला नहीं, सुनो अल्लाह ताला है इसका तर्जमा अंग्रेजी में भी करा दे, बंगाली में भी करा दे, गुजराती में भी करा दे, मामूली नहीं है, हमको दबा मजा मिलता है भाई, हमको कुछ हासिल नहीं है लेकिन कुरान के तर्जमा से हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ इस वक्त हम अखीर उम्र हमारी है, ज्यादा पूछिए तर्जुमा ही वगैरह देख रहा हूँ मैं और कोई हजीज किताब भी नहीं देख रहे, इनका हो गया उनका हो गया हमारा उसके सिवा कोई माबूद व मौला नहीं, हमारा रब अल्लाह इतने ही भी नहीं छोड़ा बल्कि कहा क्या मतलब कि इसके सिवा कोई माबूद व मौला नहीं, फिर वो उसी पर मजबूती से जमे रहे, मजबूती कह लगा दी इससे कामों का तर्जमा जमे रहे खाली नहीं मजीद जमे रहे और सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत के साथ चलते रहे, ये भी उसी के अंदर इस्तकामत के अंदर और मरते दम तक उसी पर कायम रहे, ये इस्तकामत इंशाल्लाह ये मजीद बहुत कामयाब रहेगी, हम तो किसी लायक नहीं है, ये कुरान लायक है
ये मौसी है, वाइज है, कुरान लेते थे अदरकत, इससे बाकी कोई वाइज है, ये उनका खास दस्तूर था, इससे बाकी कोई वाइज नहीं। और यही हदीस में बात हुई उम्र, अब बताओ किस भाई मान लाओगे, ये कहते रहते थे, मन दिन क्या कहते, ये सब हो जाए मान दिन क्या हो जाती है, कुरान लेके बयान, कुरान से बाकी कोई वाइज नहीं, यही हदीस में बात हुई उम्र, अब किस भाई मान लाओगे, ये भी पढ़ते थे। अल्लाह तआला ने इसमें चलते रहे और मरते दम तक उसी पर कान दे तो उस पर फरिश्ते उतरेंगे, फरिश्ते उतरेंगे अल्लाह का पैगाम, क्या लेके उतरेंगे, अल्लाह का पैगाम रहमत और बशारत लेके उतरेंगे। क्या लगा दिया यहाँ कहीं नाम है उसका बशारत वाला, क्या 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 अल्लाह ये है मुफसिर है, अल्लाह का पैगाम रहमत और बशारत लेकर आए कि तुम न डरो, ये रहमत उसकी तस्वीर कर दिया, न डरो सिर्फ नहीं वहां सिर्फ खुदा ने न डरो कहा, लेकिन क्या कहा कि अल्लाह का पैगाम रहमत और बशारत लेकर कि तुम न डरो और न गम करो, इस्तेकामत होगी, इस्तेकामत का फल दुनिया में मिलेगा, आप फरिश्तों को न देखें लेकिन कल में इत्मीनान महसूस होगा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब। इमाम ग़ज़ाली लिखा है कि वजू करो तो वजू के बाद तुमको तमानीना नसीब आएगी, जिक्र तो छोड़ो, तुम न डरो और न गम करो, वल अल्लाह की अनायत और रहमत से तुम दुनिया में भी हर अंदेशे से मामून हो और हर फिक्र गम से महफूज हो गए, डरो नहीं, तुम न डरो और न गम करो, अल्लाह की इनायत और रहमत से तुम दुनिया में भी हर अंदेशे से मामून, न डरे फिर डरने क्या बात है, और हर फिक्र गम से महफूज रहोगे, मालूम ये परिचय आगे तुमसे कहेंगे बशारत देंगे। और इस दुनियावी जिंदगी के बाद, ये तो दुनिया में है, हर परिचय कहते हैं कहते हैं ला तखाफू ततनज़्ज़ुरु अलैहिम मलाइका अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुंतुम तुअदू, दुनिया में दिया कि न डरो और गम न खाओ, और आखिरत में क्या मिलेगा, ये बशारत मिलेगी कि न डरो और न गम करो, अल्लाह की इनायत और रहमत से तुम दुनिया में भी हर अंदेशा से मामून और हर फिक्र और गम से महफूज होगे, और इस दुनियावी जिंदगी के बाद आखिरत में खुशखबरी सुन लो इस जन्नत की, जिसको तुमसे वादा किया जाता है, जिससे तुमको आदि दुनिया में भी डरना नहीं है, खौफ ज़दा नहीं है, आखिरत की क्या है, आखिरत में बचा रहे इसकी जन्नत की, उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता है, हम तुम्हारे वली व सरपरस्त और रफीक हैं, अल्लाह फरमाता है, नहनु औलिया नहनु औलियाकुम, हम तुम्हारे वली सरपरस्त और रफीक, कितना तर्जमा औलिया का तर्जमा किया, हम तुम्हारे वली सरपरस्त और नेक काम की तौफीक रफीक हैं दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी, चाहे इस वलायत और रफाका का ये असर था कि अहले ईमान को ताअत और नेक काम की तौफीक और मसायब और शदायद पर सब ईमान और तकवा पर इस्तेकामत नसीब हुई, अल्लाह वली है तो हर जगह काम आए अल्लाह से, और इसी पर खात्मा हुआ, और तुम्हारे वास्ते ऐ ईमान और तकवा वालों हर वो नेमत होगी जिसके तुम्हारे दिल चाहेंगे, और तुम्हारे वास्ते ऐ ईमान व तकवा वालों हर वो नेमत होगी जिसके वास्ते तुम्हारे दिल चाहेंगे, हमारे चाहने पर तुमने अमल किया, अब तुम्हारे दिल चाहने पर हमारा अमल हुआ, छोड़ो हमारे चाहने पर तुमने इस्तेकामत इख्तियार किया, नमाज रोजे की पाबंदी किया, शदाइद को बर्दाश्त किया, मुसीबतों को बर्दाश्त किया, सब तो किया, तो हम कुछ नहीं करेंगे क्या, जब तुम कर रहे हो मजबूर होकर के, तो हम तो कादिर हैं, अब सुनो क्या हम देंगे तुमको, और तुम्हारे वास्ते हर वो चीज होगी जो तलब करोगे, जो मांगो हम देंगे, हमारे कहने के मुताबिक तुमने अमल किया, अब हम तुम्हारे चाहने के मुताबिक देंगे जो कुछ है, ये सब कुछ बतौर मेहमानी और इकराम के होगा, वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दून नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दून, जन्नत होगी तो क्या होगा,
हयात दी है, तुम्हारे लिए हर वो चीज होगी जो तुम चाहोगे। वलकुम फीहा मा तदऊन, और तुमको वहां है जो मंगवाओ, जो चाहोगे वही मिलेगा। मैं यही कहता हूँ कि तुमने चाहा, हमारे चाहने के मुताबिक दुनिया में काम किया, अब तुम जो चाहोगे, जो चाहोगे मिलेगा, जिस फल को चाहोगे मिलेगा, जिस फूल को चाहो मिलेगा, जो नेमतें जिसका तसव्वुर भी नहीं है वो तुमको मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको। एक आदमी पूर्वदार थे, किसने कहा कि कुरान सही में आया वाले को किया माता सही अंत तो क्या हुक्म हुआ मिलेगा, एतराज करने वाले, एतराज नहीं बस वो इसी इश्कार, हर वो चीज मिलेगी जो तुमको चाहोगे। तो क्या वो थे देहात के लोग, कहा क्या हुक्म मिलेगा, तो हमारे हजरत के भाई छोटे थे, भाई चचा रफीउल्लाह खान, बड़े जीरक ये लोग, हजरत के सब भाई भी वैसे जीरक थे, बहुत ज्यादा और चर्ब जबान और हावी जवाब, कहा हाँ मिली था हुक्का, लेकिन दोजख में जाए पड़ी आग लेने के लिए, तो जाना पड़ेगा कहाँ, और इसके साथ बहुत गुस्से के जान जाते रहते, मिलेगा वाले को किया था जो चाहो मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्या हुक्का भी मिलेगा, कहा हाँ मिलेगा, मगर आग लेने के लिए दोजख में जाना पड़ेगा। हम अरे चुप क्या भी माता सही हम चुकी वलकुम फीहा माता दऊन, क्या हमला है जो चाहे तुम्हारे, और तुमको वहां से जो मंगवा, मेहमानी और बख्शे वाले मेहमान के देखे जो तफी लिख रहे हैं, और अगर बहुत उमदा मजा तुम नजर, हम तुम्हारे वली और सरपरस्त और रफीक है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी, चुनाचे इसी वलायत और रफाकत का असर था कि अहले ईमान को तार और नेक काम की तौफीक और मसायब और शदायत पर सब ईमान और तकवा पर इस्तेकाम नसीब हुई। ये जो सब्र किया उन्होंने ये भी अल्लाह की इनायत से हुआ, मैंने ऐसी ऐसी परेशानियां सहाबा पाए कोई तसव्वुर नहीं कर सकते, ऐसी परेशानी ऐसी परेशानी आग पर लिटा देते थे, अब उसको नहीं बदलाते, कहते हैं वो जो सब्र हुआ वो अल्लाह ताला की इनायत से हुआ, ये लिख रहे हैं नवाज हो नहीं नहीं बल्कि जो मसायब आए वो अल्लाह ताला की इनायत से तुमने बर्दाश्त किया, अब हम इनायत से नवाज देंगे। बहुत उनका मुझे कह नहीं पा रहा हूँ, चुनाचे इसी वलायत और रफाकत का असर था कि अहले ईमान को ताक और नेक काम की तौफीक और मसायब और शदायत पर सब्र और ईमान और तकवा पर इस्तेकाम नसीब हुई। आज जो मसायब आ रहे हैं, जो कुछ बर्दाश्त हो रहा है, ये भी अल्लाह की नेमत ही है। जो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने कमाल किया, सब्र और इस्तेकामत दिखला दिया इसको, जो कहा हुकूमत ने किया, जो कहा ये सब्र इस्तेकामत ही है, अल्लाह ने तौफीक दिया, उन्होंने मालूम क्या से क्या हो जाता। आज भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुसलमान सब्र और इस्तेकामत ही से काम ले रहे हैं, ताकि और आगे बढ़ते थे फिर तो अल्लाह की नेमत है देखो अलूमू में आ जाती। अहले ईमान को ताक और नेक तौफीक और मसायब और शदायत पर सब्र और ईमान और तकवा पर इस्तेकामत नसीब हुई, और इसी पर खात्मा हुआ सहाबा का, और तुम्हारे वास्ते अय ईमान वाले तकवा वालो, ये सब हम मुखातब, सिर्फ सहाबा नहीं है, क़यामत तक सब मुसलमान इसमें मुखातब हैं, और तुम्हारे और तुम्हारे वास्ते अय ईमान व तकवा वाले हर वो नेमत होगी जिसके वास्ते तुम्हारे दिल चाहेंगे, और तुम्हारे वास्ते हर वो चीज होगी जो तलब करोगे, जो भी चाहोगे मिलेगी, ये सब बतौर मेहमानी और इकराम के होगा, मेहमानी और इकराम, मेहमानी और इकराम, हमारी मेहमानी होगी, हम बंदों की मेहमानी होगी, अल्लाह कह रहा है, बदला नहीं कह रहा है, ये सब बतौर मेहमानी और इकराम होगा। इस पर परवरदिगार उस परवरदिगार की तरफ से, उस परवरदिगार की तरफ से जो मगफरत करने वाला बड़ा ही मेहरबान है उसकी तरफ से होगी, जो अपनी शान मगफरत से उन कोताहियों से दरगुजर करने वाला होता है जिनके बाद शायद ऐसे इकराम एजाज का इस्तेकार होता है। कहते हैं जो अपनी शान मगफरत करने गफूर है, क्यों उसका मतलब निकला है, जो अपनी शान मगफरत से
उन कोताहियों से दरगुजर करने वाला होता है जिसके बाद शायद ऐसे इकराम एजाज का इस्तेहकाक न होता, गफूर अगर ना होता तो ये एजाज नहीं मिलता, क्योंकि उसे मफरत किया तो हमारी गुनाहों को इस बिना कोई नेमतें मिल रही बतौर इकराम। बहुत मदद होती है, जितना गौर कीजिए मुझे साहब, बहुत हमारे उलमा ने जो तर्जमा किया है बहुत समझ, जो अपनी शान मकफर गफूर है ना, क्योंकि गफूर का लफ्ज है नुदरत में गफूर रहीम, मेहमानी है उस बख्शने वाले मेहरबान से, तो अब गफूर यहाँ क्यों ले आए? कहते हैं गफूर इस बिना ले आए कि हमारी कितानी को माफ किया तब अल्लाह तला दे रहा है। बहुत कहते हैं जिनके बाद शायद ऐसे इकराम एजाज का इससे कहा होता, क्योंकि वो बड़ा ही मेहरबान है अपने शान रहीमी से बंदों के खलील, वो हकीम को ऐसे बुलंद पाए इनाम। गफूर होने के बाद बुनियाद पर तो माफ किया और रहीम होने के बाद नेमतों से नवाजा है। बहुत मेहरबान जो अपनी शान मकफरत से इन कोताहियों से दरगुजर करने वाला होता है, जिनके बाद शायद ऐसे इकराम एजाज का इस्तेकार न होता, और बड़ा ही मेहरबान है कि अपने शान रहीमी से बंदों के कलील व हकीर पर ऐसे बुलंद पाया इनामात से नवाजता है। अब ये चीजें मुस्तहजर हों तो इस जमाने में हमारे लिए कुछ थोड़ा सा तसली के असबाब है कि नहीं, हम भी उसी जुमरे से हैं। अब इसके बाद शाह उल्लाह साहब की बात जो लिखी है मैं उनको सुनाता हूँ। फरमाया इमाम गजाली ने बयान किया है कि सिराते मुस्तकीम और शरीयत के रास्ते पर इस्तेकामत जहन्नम पर कायम करदा कुल साहब पर गुजरने से ज्यादा शरीर। ये बात शाह उल्लाह साहब बयान करते, ये शाह उल्लाह साहब की बात है, इमाम गजाली ने, ये इमाम गजाली कहते हैं, इमाम गजाली ने बयान किया है सिराते मुस्तकीम यानी शरीयत के रास्ते पर इस्तेकामत जहन्नम में कायम करदा पुल पर गुजरने से ज्यादा शरीर है। ये इस्तेकामत इतनी बड़ी चीज है जिसकी बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए, तो वो क्या है? वो इस्तेकामत कोई बात नहीं, तब तो बूढ़े हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात चुपे, मालूम हुआ कि इस्तेकामत की दुआ भी करते रहना थे। और फरमाया हकीकत यह है कि यहाँ सिरात मुस्तकीम पर इस्तेकामत और वहाँ आखिरत में सिरात जहन्नम पर से गुजरना बाल से ज्यादा बारीक और तलवार के धार से ज्यादा तेज है। ये हजरत फरमाती, ये लफ्ज़ देखा होगा, ये जो भी बात कहते थे वहां पुल सरा से गुजरना बाल से ज्यादा बारीक तलवार ज्यादा तेज है, आज वह मिलत मुझे खुशी हुई, ये लफ्ज़ हजरत फरमाती थे। और हकीकत यह है यहाँ सिरात मुस्तकीम पर इस्तेकामत और वहां आखिरत में सिरात जहन्नम पर से गुजरना, दुनिया में तो सिरात मुस्तकीम चलना और वहां जहन्नम के सिरात से गुजरना दोनों जैसे ये मुश्किल जैसी वो, बल्कि उससे मुश्किल ये है यहाँ वाला ये कह रहा है यहाँ सिराते मुस्तकीम पर इकामत वहाँ आखिरत में सिराते जहन्नम पर से गुजरना बाल से ज्यादा बारीक और तलवार के धार से ज्यादा तेज है। मर्तबे इस्तकामत की इस अजमत के बायस हर नमाज में सूरह फातिहा की करार का हुक्म फरमाया गया ताकि सिराते मुस्तकीम पर इस्तकामत की दरख्वास्त बारगाह खुदावंदी में पेश की जाती रहे। इसलिए सिराते मुस्तकीम ये इस्तकामती की दुआ है, इस बिना पर अल्लाह ताला से इस्तकामत की दुआ करते रहना चाहिए। और इस्तकामत का जो मफहूम बयान किया है उसको पेश नजर रखना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हर मौके पर हमको नवाजें और इन बशारतों से हम सब लोगों को मुशर्रफ फरमाते रहें। मैंने लिख दिया मैं बस, ऐ मुसलमानों दिल से इस्तकामत और हिदायत की दुआ किया करो, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ऐ मुसलमानों दिल से इस्तकामत और हिदायत की दुआ करें, अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बहरहाल ये आयत जो है बहुत ही अहम आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने सालिहीन की जजाओं को बयान फरमाया है। शेख अब्दुल हक मोहदी देहलवी ने शेख फरीद जो बहुत बड़े शाहजहाँ वजीर थे कहा कि आमाल की जजाओं को पेश नजर रखो, ये आमाल की जजाओं को पेश नजर रखने के लिए मैंने सुना है कि आमाल तो हैं लेकिन ये जजाएं भी मिलेंगी, अल्लाह ताला इन जजाओं पर भी ईमान अता फरमाए, आमाल करने की हिम्मत अता फरमाए और इन जजाओं को मुस्तहजर रखने की तौफीक मरहमत फरमाए। जाहिर है कि जब जजाएं मुस्तहजर होंगी तो अमल करना आसान हो जाएगा। इस बिना पर शेख अब्दुल हक मोहदी देहलवी ने उस वजीर को लिखा फरीद शेख वजीर कि अजजिया को ख्याल रखो, पादाश अमल ये लफ्ज है, पादाश अमल को ख्याल रखो, वजीर को किसी दिया
اخلاص عمل کا خیال رکھو, ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو, اور تیسری چیز ہے پاداش عمل. جب پاداش عمل سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ الذی عمل کرنا آسان ہو جائے گا. بہرحال وقت ہو گیا ہوگا, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے یہ سلسلہ جو جاری ہے باقی رہے. بہت سے اس کو پسند بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اعمال کی طرف دائیہ اور جذبہ پیدا ہو, اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو, اور اس زمانے جو تعلیم ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہی جاری و ساری فرمائے. دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا, اللهم اهدنا وسددنا, اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, برحمتك يا أرحم الراحمين, وبحمد سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.